नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, वो अपॉर्चुनिटी जापान के लिए है। ये लॉन्ग जॉब है जापान में। एम्प्लॉयमेंट वीजा के थ्रू जॉब रहेगी और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 10 साल का है। 10 ईयर के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। दोस्तों जॉब रहेगी मैन्युफैक्चरिंग और अदर सेक्टर की कंपनीज में, स्पेशली लाइक जनरल वर्कर, हेल्पर और जो कंपनीज की जॉब्स रहती ना वो जॉब्स के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की काफ़ी सारे डिविजन्स के लिए जॉब्स रहेगी। इसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस होना कंपलसरी नहीं है, हर टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, ITI, कोई भी जो जस्ट पास आउट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब रहेगी वर्क परमिट, ये एक ट्रेनिंग मॉड्यूल के तहत आएगा। इंडियन और जापानीज गवर्नमेंट ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें वो इंडियन कैंडिडेट्स को, इंडियन मैनपावर को ट्रेन करके जापान में ले जाएंगे। और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा है जिसमें 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग होगा। ये टोटल 90 डेज़ के अंदर पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा। इसमें ट्रेनिंग होगी वो बड़े सिटी में होगी, जैसे मुंबई जैसी सिटी में, और वहाँ पे ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। फूड का अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को करना होगा। ट्रेनिंग की कोई चार्ज नहीं है और जो भी प्रोसेसिंग टाइम रहेगा, वीज़ा आने के बाद डिपार्चर जनवरी तक, मतलब 90 डेज़ के बाद डिपार्चर हो ही जाएगा। ट्रेनिंग का प्रोग्राम क्या है? ट्रेनिंग में जापानी लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है। जापान में कंडीशन है कि वहाँ पर जो वर्कर हैं, जो वहाँ पर मैन पावर काम करती है, उनको जापानी आना कंपलसरी है। वहाँ पर इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जापानी कंपलसरी है। इसलिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनका इंग्लिश अच्छा हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको जापानी सीखनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग के बाद एक असेसमेंट होता है, वो असेसमेंट के बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। अगर वो उस असेसमेंट में क्वालिफाई हो जाते हैं, उस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं और एग्जाम पास कर लेते हैं, तो ही वीजा का प्रोसेस होता है। और अगर नहीं कर पाते तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई कर सकते हैं, और जो कर लेते हैं उनका आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ट्रेनिंग में खास तौर से 3-4 चीज़ों पर फोकस किया जाता है। एक जापानी लैंग्वेज, दूसरा वहाँ का वर्क कल्चर कि वहाँ पर लोग कैसे क्या काम करते हैं, तीसरा वर्क के बारे में जो काम करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, एनवायरनमेंट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि कैंडिडेट वहाँ के एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ सके। ये मॉड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट हो उसको ये फील ना हो कि वो बंदा वहाँ पर नया है। और ये जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग नवंबर में शुरू होने वाली है। 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद फिर एक असेसमेंट होगा, वीजा प्रोसेसिंग। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सैलरी जो मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी 1,30,000 से लेकर शुरू होगी और 1,50,000 तक की सैलरी कैंडिडेट को मिलेगी। क्योंकि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए इसमें हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। सैलरी में इंक्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस होगा। जो भी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से हर कैंडिडेट की हर साल सैलरी इंक्रीमेंट होगी। वीज़ा जो रहेगा, वीज़ा हर साल रिन्यूअल होगा। 1 ईयर का वीज़ा एक्सटेंड होते होते 10 ईयर का हो जाएगा, जैसे 1 ईयर करके हर साल रिन्यूअल हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? ये अपॉर्चुनिटी वैसे काफ़ी अच्छी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें जापान जैसी कंट्री में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी आई है, लॉन्ग जॉब 10 ईयर के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या आपके नेटवर्क में कोई इंटरेस्टेड है, आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको अपना पासपोर्ट साइज कलर स्क्रीन कॉपी, पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो कलर स्कैन कॉपी, रिज्यूमे वर्ड फॉर्मेट में, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, हमारी ईमेल आईडी vimlesh.gautam@triplebyoverseas.com पर भेजेंगे। दोस्तों फोटो में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, फोटो खिंचवाने के लिए आपको फोटो का जो लुक होना चाहिए, कोट और टाई कंपल्सरी है। इसमें एक प्रोफेशनल लुक वाली फोटो चाहिए, वही फोटो के बेस पर भी रिजेक्शन हो सकता है, इसलिए फोटो ध्यान से अच्छे से फोटो खिंचवा के भेजें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।